वो बंदी कैरेक्टरलेस थी, वो बंदी लॉयल नहीं थी, वो बंदी बेवफा है, वो आज किसी और की बाहों में है, वो ये कर रही है, वो फलाना कर रही है। बंदी बनाई छोड़ दिया, सेक्स किया छोड़ दिया, कल को अगर आपकी पत्नी आपसे डाइवोर्स ले लेती है तो आप उसको भी क्या वो आर वर्ड का कैरेक्टर डिफाइन कर दोगे? सो आई गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द ऑफिशियल पर्सनालिटी। और आज के दिन बहुत सारे लोग मुझसे शायद परिचित होंगे या नहीं होंगे, बोलेंगे इतने फॉर्मली की बात कर रहा हूँ आज ना। हो दिस थिंग, इसको सोच के देखना, शायद काफ़ी लोग रिलेट कर पाए नहीं कर पाए। जिन लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग मेरे सामने भी ऐसे बैठे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर यह बात करने का कि पीपल से दैट शी वॉज अ बिच ना। हो दिस फ्रेज मतलब बहुत सारे लोगों के हिसाब से यूज़ किया जाता है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट टुडे। मतलब बिच बोलना इज लाइक वेरी कूल, मतलब आपकी जिंदगी से कोई चला गया ना, आपने किसी को बिच बोल दिया, मतलब अपने अंदर से ही सारी चीज़ें निकाल दी। अब इस चीज़ को यार खुद सोच के देखो एक बार, जब वो इंसान आपके साथ था, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, जब तक वो इंसान आपके साथ था वो इंसान आपके लिए सर्वोपरि था। सारी जिंदगी की अच्छाइयाँ खुशियाँ जितनी चीज़ें थी सब की सब आपकी उस इंसान के साथ थी। पर क्या ऐसा हो गया कि उसके जाने के बाद दैट पर्सन बिकेम अ बिच? जितने लोग शायद इसको सुन रहे हैं, मतलब मेरे को नहीं पता कि यार आप लोग बिच का मतलब जानते भी हो। किसी को एक दिन कहना तुम मेरी जान हो, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुमसे ऐसे करता हूँ, तुमसे वैसे करता हूँ, फलाने ढिमकाने दसियों वादे कर लोगे। नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखो इस चीज़ को, वो ऐसी थी, उसका कैरेक्टर ऐसा था, मेरे साथ ऐसा करा, मेरे साथ सोई, मेरे साथ ऐसा करा, ये शोभा देता है तुमको। भाई एक्स थी तो ना, कुछ तो थी, आज एटलीस्ट एक्स का भी दर्जा देते हो, देते तो हो ना। कुछ प्राइवेट सीक्रेट्स अपने उसने तुम्हारे साथ शेयर करे, कुछ चीज़ें अपनी जिंदगी की शेयर करी, दैट डजंट मीन दैट यू गॉट द राइट टू एंटर हर प्राइवेसी। मेरी जिंदगी में यार मेरे पास बहुत सारे लोग हैं अभी इस चीज़ को बोलने के लिए, यार मेरी एक्स ऐसी थी, मेरी एक्स वैसी थी। कभी खुद से पूछ के देखा आप कैसे थे? अब देयर वाज दिस गाय, कंप्लीटली आई विल टेल यू दिस स्टोरी, कि देयर वाज दिस गाय मेरी जिंदगी में अभी आया थोड़े दिनों पहले, मुझसे आके बोलता है, बैठा मेरे साथ, बहुत नॉर्मली बैठा, बहुत नॉर्मली ऐसे बैठा, मुझसे आके पूछता है कि यार आई एम प्रिटी सैड। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता है बंदा मुझे कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे छोड़ के जा चुकी है। मैंने बोला देयर वुड बी अ रीज़न, कुछ तो रीज़न होगा, एक अंदर क्यूरियोसिटी जागती है आदमी के, तो कुछ तो रीज़न होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई। एंड यू नो वॉट वॉज दैट पर्टिकुलर रीज़न? वो रीज़न सिर्फ इतना था कि उस बंदी ने चार दिन उस बंदे का कॉल नहीं उठाया, एंड नाउ ही जस्ट लेट हर गो। अब उस चार दिन के चक्कर में उस बंदे ने उसका कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, उस बंदे ने उसकी सारी चीज़ें डिसाइड कर ली। वो बंदी कैरेक्टरलेस थी, वो बंदी लॉयल नहीं थी, वो बंदी बेवफा है, वो आज किसी और की बाहों में है, वो ये कर रही है, वो फलाना कर रही है। ये सारी चीज़ें बोलने से पहले ना आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, काश कहीं ना कहीं ये शायद वही बंदी थी जिसके बारे में आप बात करना पसंद करते थे, ये वही बंदी थी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल थी, ये वही बंदी थी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थी। क्या हुआ ऐसे चंद दिनों की चीज़ों में कि आपकी ज़िंदगी में ये सारा सपोर्ट, सारी लॉयल्टी सब निकल गई? दिमाग पे जोर डालो यार, किसी और को ब्लेम करने से पहले कभी ये भी देखो क्या उसकी फैमिली में दिक्कत हो सकती है, क्या उसकी ज़िंदगी में दिक्कत हो सकती है, क्या हमने उस चीज़ को समझा? And to all the people having these relationships, I have no problem with you. प्यार कर रहे हो करो यार, पर प्यार करो, don't get into such fake things. People are making out relationships just for having physical stuff. मैं तो मुंह पे बोलता हूँ यार, बंदी बनाई छोड़ दिया, सेक्स किया छोड़ दिया, is life all about having sex? कल को अगर आपकी पत्नी आपसे डाइवोर्स ले लेती है तो आप उसको भी क्या वो आर वर्ड का कैरेक्टर डिफाइन कर दोगे? नहीं करोगे ना। मोहब्बत करना सीखो, खेलने वाले तो बहुत आते हैं। थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल द ऑफिशियल पर्सनालिटी एंड माय सेकंड चैनल साहिल शर्मा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करने की बातें करनी है। और जिन लोगों को भी कोई सवाल हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। एंड इफ एनीबडी वॉन्ट्स अ वन टू वन सेशन विद मी, डू लेट मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर।